हेलो डियर, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो आज मैं केक की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए, ताकि भाई जो भी मज़ेदार वीडियो लेके आती हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए मैं केक बनाया है, ये देखिए कितना बढ़िया है मेरा केक बनकर ये तैयार है। एकदम स्पंजी है, ये बिस्किट का केक है, ये बहुत अच्छा बना है, एकदम से सॉफ्ट और मुलायम है एकदम से। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो बिस्किट पार्ले जी बिस्किट से मैंने इसको बनाया है। तो अगर आप देखिए मैंने कैसे बनाया है, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे चैनल में बनाए रखिए, और मैं जो भी वीडियो लेकर आती हूँ वो सब इंजॉय कीजिए आप लोग। तो चलिए रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। मैं बताती हूँ कि ये वाला बिस्किट का केक मैंने दोस्तों कैसे बनाया है, और इसकी रेसिपी मैं आप सबको बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं दोस्तों, मिलती हूँ आपको रेसिपी में। तो डियर ये देखिए मैंने पार्ले जी बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं। तो ये देखिए मैं ये बिस्किट ले ली हूँ, और इनको खोल कर हम सारे बिस्किट निकाल लेंगे पैकेट से बाहर, और इनको छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। ये देखिए मैं ऐसे तोड़ रही हूँ, ये मैं नहीं तोड़ रही, ये मेरी बिटिया रानी है वो तोड़ रही है, उसको बहुत पसंद है ना ये सब चीज़ें करने का, बड़ा शौक है। ये देखिए ये सारे तोड़कर हमको इकट्ठे कर लेने हैं। तो आपको जैसे जितना बड़ा केक चाहिए आप उतना पैकेट इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो मैं दो पैकेट का केक बना रही हूँ, ये मेरा बड़ा वाला पार्ले जी का बिस्किट जो आता है ना वो वाला है। तो ये सारे तोड़कर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, और इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, एक बड़ा चम्मच चीनी डाला है, और इसको सब पूरा हमको ग्राइंडिंग जार में डालकर एकदम से इसको पीस लेना है। और इसमें हमको डाल देना है दूध, दूध हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। और एक चम्मच हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से इसी में मिक्स करके पीस लेंगे। तो ये हमारा एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। और ये मैंने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, आप इसमें मस्टर्ड ऑयल मत डालिए, उसकी स्मेल से ये केक हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मेरा स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया। तो इधर हम एक केक केक अपना बनाएंगे जिस बर्तन में, वो बर्तन तैयार कर लेते हैं। तो उसको भी मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब ये मैंने एक इनो लिया है, तो इसको मैं इसमें डालकर थोड़ा दूध डालकर इस केक में एकदम से डालकर मिक्स कर देंगे, और इसको अब हमको ज़्यादा देर रखना नहीं है। अब मैं तैयार कर ली हूँ एक केक केक टिन, ये देखिए मैंने इसमें मैदा डालकर थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, मेरा तैयार होगा। अब इसमें हमको अपना ये पेस्ट इसी में ट्रांसफ़र कर देना। तो थोड़ी मेरे पास टूटी फ्रूटी पड़ी थी, उसको भी मैं इसमें डालकर सारा कुछ एक केक टिन में मिक्स कर दें। थोड़ा टैप करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा और टूटी फ्रूटी इसमें डाल देंगे, ये देखिए चेरी बीन को बोलते हैं, इसको मेरी बिटिया बहुत खाती है शौक से, इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसको हम रख देंगे कुकर में, मैं कुकर में केक बना रही हूँ ना, और ढक्कन कर देंगे बंद। तो ये देखिए मैं मेरा केक एकदम से पक गया है। इसको पकने में दोस्तों 50 मिनट 40 से 45 मिनट के बीच में ही ये केक पककर तैयार होता है। तो ये देखिए मेरा केक एकदम पककर रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे केक टिन से बाहर, और ये देखिए मैं इसको एक टूथ पीस से आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, मैंने बीच में एक दो बार चेक किया था। तो अभी ये हमारा केक पका तो है नहीं, तो इसको हम फिर से छोड़ देंगे इसी में 10 मिनट के लिए, एकदम लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। तो फिर इसको मैंने छोड़ दिया था, और फिर हम इसको बाद में थोड़ी देर के बाद इसको मैं निकालूंगी। तो तब ये देखिए अब मैं फिर से दोबारा इसको चेक कर रही हूँ, तो ये मेरी एकदम टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है। ये देखिए एकदम परफेक्ट केक हमारा पक्का रेडी हो गया। मैं दो तीन जगह टूथपिक डालकर देखी हूँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, और फिर इसको हम बाहर अपने कुकर से बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ी देर ऐसे वेट की हूँ, और फिर हम इसको एक पकड़ की सहायता से पकड़कर इसको आराम से बाहर निकाल देंगे। केक अभी हमारा बहुत गर्म है, इसको थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे, नहीं तो हाथ भी जल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा नमक नीचे डाला था, और एक कटोरी रख दिया था कुकर में, और मेरा ये
पककर एकदम रेडी हो गया है। तो इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मेरा केक एकदम से परफेक्ट रेडी है काट के खाने लायक का। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनकर केक तैयार हो गया। मैं दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे ये ऊपर के साइड का है और वो नीचे के साइड का था। बहुत अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है, बिल्कुल पक गया है बिल्कुल। अब इसको मैं काट कर भी आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे कट कर अंदर से, इसमें बहुत जाली पड़ी हैं। बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी इसका बहुत टेस्टी आता है, एकदम मार्केट जैसे केक का टेस्ट आएगा। ये देखिए मैं काट कर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा दानेदार केक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम मुलायम है, बहुत अच्छा है ये केक बनकर तैयार हो जाता है फटाफट घर में ही 30-40 मिनट के अंदर। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये केक, बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना स्पंजी केक बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे तब बनाकर आप इसको घर में ही इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो अब बता दीजिए कैसा लगा, लाइक कर दीजिए फटाफट और एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दीजिए ताकि मुझे अगली रेसिपी बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो मिलूंगी मैं अगली रेसिपी के साथ, तब बाय दोस्तों, फिर मिलूंगी मैं अगले